एन इंडिपेंडेंट इवेंट्स में से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता, अर्थात उन एन में से कम कोई सी एक घटना तो घटे, इस बात की प्रायिकता कहते हैं। यदि एन स्वतंत्र घटनाएं ए वन ए टू ऐसे करके ए एन है और उनकी प्रायिकताएं क्रमशः पी वन पी टू पी एन है, अर्थात पी ए वन इज इक्वल टू पी वन, अर्थात ए वन घटना के घटित होने की प्रायिकता को हमने पी वन कह दिया है और ए टू घटना के घटित होने की प्रायिकता को हमने पी टू कह दिया है, और इस सिमिलरली ए एन घटना के घटित होने की प्रायिकता को हमने पी एन कह दिया है, तो पी ए वन बार अर्थात ए वन घटना के घटित ना होने की प्रायिकता इज इक्वल टू वन माइनस पी वन, पी ए टू बार इज इक्वल टू वन माइनस पी टू, अर्थात ए टू घटना के घटित ना होने की प्रायिकता। चूंकि ए वन ए टू ए एन स्वतंत्र घटनाएं हैं, एक दूसरे से निर्भर नहीं करती है, इसीलिए ए वन बार ए टू बार ए एन बार भी स्वतंत्र घटनाएं ही होंगी। दी हुई घटनाओं में से किसी भी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता, अर्थात पी ए वन बार ए टू बार ए एन बार इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन थ्योरम से विल बी इक्वल टू पी ए वन बार इन टू पी ए टू बार इन टू पी ए थ्री बार अप टू पी ए एन बार, बट पी ए वन बार इज इक्वल टू वन माइनस पी वन, पी ए टू बार इज इक्वल टू वन माइनस पी टू मल्टीप्लाइड करते जाएंगे, सिमिलरली पी ए एन बार इज इक्वल टू वन माइनस पी एन। तो यह आ गई हमारे पास में किसी भी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता। अब कम से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता इज इक्वल टू वन माइनस किसी भी घटना के घटित ना होने की प्रायिकता इज इक्वल टू वन माइनस ब्रैकेट वन माइनस पी वन मल्टीप्लाइड बाई वन माइनस पी टू मल्टीप्लाइड बाई वन माइनस पी एन ब्रैकेट क्लोज। कम से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता इज इक्वल टू वन माइनस ब्रैकेट वन माइनस पी वन मल्टीप्लाइड बाई वन माइनस पी टू मल्टीप्लाइड बाई वन माइनस पी एन वगैरह। अब कुछ एग्जाम्पल, सोल्ड एग्जाम्पल, जैसे एक पासे के उछाल में तीन से छोटा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब पासे में एक से छः तक कोई भी अंक आ सकता है, अतः एग्जॉस्टिव इवेंट छः हैं, तीन से छोटा अंक यानी या तो एक आए या दो आए और उनके अनुकूल स्थितियां दो हैं, इसलिए डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी जिस घटना की हम बात कर रहे हैं उसके अनुकूल स्थितियां दो हैं, एक या दो आ जाए, और अधिकतम जो घटनाएँ संभव हैं दैट इज एग्जॉस्टिव इवेंट वो छः हैं, इसलिए एम अपोन एन दो बटा छः इज इक्वल टू एक बटा तीन, इसलिए एक बटा तीन या 33% प्रोबेबिलिटी है कि पासे को उछालने पर तीन से छोटा अंक आए। एक और एग्जाम्पल, दो पासों को एक साथ फेंकें तो कम से कम एक पासे में छः का अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब कुल एग्जॉस्टिव इवेंट, दो पासों को एक साथ उछालेंगे तो कुल एग्जॉस्टिव इवेंट 6 × 6 दैट इज 36 परिणाम आ सकते हैं। अब कम से कम एक पासे पर छः अंक आने की अनुकूल स्थितियां 16 यानी दूसरे वाले पर छः आ जाए, पहले हम उन्हीं की बात करते जबकि दूसरे पासे पर छः आए, 16, 26, 36, 46, 56, 6 अर्थात दोनों पर छह आ जाए। या फिर पहले वाले पर छह आ जाए, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5 छह छह पहले ही आ चुकी है, इसलिए कम से कम एक पासे पर छह आने के अनुकूल स्थितियां कुल मिलाकर 11 हुई, इसलिए डिजायर्ड प्रोबेबिलिटी कि कम से कम एक पासे पर तो छः आए उसके अनुकूल स्थितियां 11 और एग्जॉस्टिव इवेंट 36, इसलिए अभीष्ट प्रायिकता होगी हमारी 11/36।